देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने सदैव अटल पर अर्पित किए पुष्पांजलि। गिरजाघरों में जन्मे प्रभु यीशु, क्रिसमस के उत्सव की हुई शुरुआत। ओमिक्रॉन के मद्देनजर क्रिसमस वीकेंड पर दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द। MiG-21 विमान हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का निधन, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जताया शोक। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर का मुख्यमंत्री योगी दौरा करेंगे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के पास नवनिर्मित संघ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मीडिया से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता नहीं होती है। तो संघ कार्यालय का निरीक्षण किया सुल्तानपुर के दौरे पर रही स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब संघ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पे मीडिया से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने वजह ये बताई कि संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता नहीं होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सलीमपुर दौरा कैंसिल हो गया है, जहां डिप्टी सीएम भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा कैंसिल हो गया था। दोनों नेताओं के नहीं आने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सेंटपाल पब्लिक स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर जिला प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आई होगी तभी गए हैं, वरना वो रहते और कार्यकर्ताओं का तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह बढ़ाते रहते हैं हमेशा। कुछ जरूर बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट काम रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। जनता का रुझान देख ही रहे हैं, जन विश्वास यात्रा हम लोगों ने निकाला है इसलिए कि देखें जनता का रुझान किस तरफ है। यानी हमने जो काम किया है, आप तो जान ही रहे हैं, 2-2.5 साल तो कोरोना खा गया, हम लोग को 2 ही साल काम करने का मौका मिला और उसमें हमने इतना अच्छा काम कर दिया है कि आप देखे होंगे जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ये किराए वराए पे लाई हुई भीड़ भी नहीं है। आपसे बता रहे हैं लोग स्वयं आए हैं। अभी एक नाचने वाला लड़का सुना कि जन विश्वास यात्रा है भाजपा का, तो अपने आप से आके नाच रहा है। अच्छा, क्या लगता है 2022 में फिर बीजेपी आएगी? इस बार उससे भी ज्यादा, 350 के पार। जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए 5 वर्षों पिछले कार्यकाल के काम को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, आम जनता तक उसके संदेश को देने के लिए कि जनता में उनके कार्यों के पास विश्वास कायम है, इसलिए यात्रा चलाई गई। ये यात्रा कब तक चलेगी? यह यात्रा आगामी 3 तारीख तक चलेगी, 3 जनवरी तक। ये तो दुख हुआ है ना, जनता इतनी परेशान हुई, कितने दूर दूर से जनता आई थी, आने के बाद सब तो पानी फिर गया। आए होते तो कुछ तो वोट पड़ता और लोग सुनते। खबर संभल से है, जहां भाजयुमो सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया। आगे उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव के जिन्ना आदर्श हैं, जबकि प्रियंका गांधी और उनकी मां राम को नहीं मानती। तो शब्द बिगड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि भाजयुमो सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जो बयान दिया है वो उसमें कहा उन्होंने कि संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया है। आगे उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता की
वजह से सपा की दुर्गति हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव के जिन्ना आदर्श है जो कि प्रियंका गांधी और उनके मां राम को नहीं मानती हैं। तो एक तरफ सपा की दुर्गति जिन्ना आदर्शों की वजह से बताई जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की यानी कि दुर्गति बताई जा रही है। प्रियंका गांधी उनकी मां राम को नहीं मानती है, इस वजह से वो सत्ता से दूर है, ये वजह बताई गई है। तो संभल से ये खबर सामने आ रही है जो कपिल देव ने ये बयान दिया है। सपा सांसद डॉक्टर वर्क को बुद्धिहीन बताया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। इनको हमको टिप्पणी नहीं कर सकते कि उनकी बुद्धि है, और हेमा मालिनी हो चाहे यहाँ की नारी कोई भी हो, हम उनका सम्मान करें। डॉक्टर सफीकुर रहमान जो संभल के सांसद है, उन्होंने भी टिप्पणी की है, 21 साल उम्र के लड़कियों को लेकर टिप्पणी की है सरकार के कानून बनाने पर। अब उनकी अपनी बुद्धि है, अगर उनको बुद्धि सदबुद्धि होती तो समाजवादी पार्टी की दुर्गति नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी को सब महिलाएं बेटियां चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़े हैं संभल से। मुबारक, आखिर किस बात पर बुद्धिहीन बताया है? मुबारक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो आपको बता दें कि संभल से ये खबर है जहां पे अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने जमकर निशाना साधा है विपक्ष पर। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है संभल से, जहां सांसद शफीकुर रहमान वर्क को बुद्धिहीन बताया, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तो सपा सांसद पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। बड़ा बयान दिया है उन्होंने, शफीकुर रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है, अखिलेश यादव के जिन्ना आदर्श हैं जबकि प्रियंका गांधी उनकी मां राम को नहीं मानती हैं। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं संभल से। मुबारक, आखिर किस बात पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा पर निशाना साधा? आपको बता दूं, जनपद संभल में एक जनसभा को संबोधित किया है कपिल अग्रवाल ने, और उसमें काफी सपा पे निशाना साधा है और काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सपा सरकार गुंडों की है और कई मामलों को लेकर निशाना साधा हूँ जी। प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है? प्रियंका गांधी को लेकर कहा, उन्होंने बोले 7 सालों में 7 साल सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने कुछ कर पाए ना और हमारी सरकार रही और यूपी को बेस्ट बना दिया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे। भाजपा की जनविश्वास यात्रा सिरसागंज से होते हुए मैनपुरी के करहल पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस जनविश्वास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अच्छा, स्वावलंबी बनाने का काम किया है जन विश्वास यात्रा, इसीलिए निकली है। और आप जानते हैं कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास पे लेके मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि 2022 में पुनः हम भाजपा की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया मैनपुरी में और सपा पर जमकर निशाना साधा भी गया। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जा रही है ये जन विश्वास यात्रा। भाजपा की जो जन विश्वास यात्रा है वो अब सिरसागंज से होते हुए मैनपुरी के करहल पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। काफी भीड़ भी देखने को मिली इस जन विश्वास यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और अपने कार्यकाल का बखान भी किया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुनीश मिश्रा जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुनीश, किन बातों को लेकर निशाना साधा गया सपा पे? जी, आपको बताना है बीजेपी ने सपा पे निशाना साधा है कि ये जो छापे आज के पड़ रहे हैं, तो ये कहा है कि ये पार्टी
घोटाला करके ये पैसा जमा किया हुआ है और सपा के कार्यकर्ता वगैरह जो भी हैं वो सब गुंडे हैं और ये नहीं टिकेंगे जी, इस प्रकार से हमला बोला है जी। तो अब ये जनविश्वास यात्रा अब आगे कहाँ जाने वाली है जी? आज ये एटा जनपद के लिए निकल गई कुरावली होते हुए, कल मैनपुरी से लेवर गई और रात को ये एटा के लिए निकल चुकी है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुनीश मिश्रा जुड़े थे मैनपुरी से। वहीं अब खबर मथुरा से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज को कहना है कि जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दरअसल एक महिला को उसके ससुरालियों ने जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में नहीं हो रहा है, इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया है। तो जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, ये बताया गया है। कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, मथुरा से ये खबर सामने आ रही है और लगातार अस्पतालों से भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं अब मथुरा से भी यही खबर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज का कहना है कि जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दरअसल एक महिला को उसके ससुरालियों ने जलाकर मारने की कोशिश की, जिसका इलाज जिला अस्पताल में नहीं हो रहा है, इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया है। जहां एक तरफ परिवार वालों ने जलाकर मारने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि इलाज भी सही से नहीं हो रहा है। इलाज के लिए जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर भी कमियां देखने को मिल रही हैं और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो लगातार अस्पतालों से ऐसी खबर आती रहती है कि अस्पतालों में या तो झोला छाप डॉक्टर है, सही से इलाज नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और अब ये जो मामला सामने आया काफी गंभीर है, और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जीवन दीप जुड़ चुके मथुरा से। जीवन दीप, क्या है पूरा मामला? जीवनदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि मथुरा से एक खबर सामने आई है, जहां पे अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है और लोगों में भी कानून व्यवस्था को लेकर कोई डर नहीं है। जिला अस्पताल का मामला है, जहां पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो जहां पे ससुराल जनों ने एक महिला को जलाकर मारने की कोशिश कर दी है, लेकिन जब उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पे भ्रष्टाचार देखने को मिला, महिला का इलाज नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जीवन दीप जुड़ चुके हैं मथुरा से। जीवन दीप, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं बता दूं आपको मैडम, कि जैतीपुरा में एक महिला को दहेज के मामले में जो जलाने की कोशिश की थी जी, उसके ससुराल जनों ने, ठीक है जी, उसको इसी हालत में जिला अस्पताल लेकर के आया गया जी। जिला अस्पताल ले आने के बाद में जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेने के बाद में धरना प्रदर्शन कर दिया। ये मामला जो शुक्रवार का है जी, देर शाम का जी, पुलिस ने इस मामले में एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कितने आरोपी हैं इस मामले में? पुलिस ने बाकी के लोगों को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर के जो भी कार्यकर्ता उनको शांत कराया जी। और अस्पताल में किन तरह की लापरवाही देखने को मिली है, किस चीज को लेकर बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार बना हुआ है अस्पताल में? या तो कहें कि स्टाफ की कमी है, या ये लोग काम नहीं करना चाहते। लापरवाही तो काफी है जी, पैसे को लेकर के भी लापरवाही है, इलाज को लेकर भी कार्रवाई है जी, लापरवाही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, अधिकारी इसमें कोई संज्ञान लेते रहे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जीवन दीप जुड़े थे।
अलीगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से रामलीला ग्राउंड में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा और अतिथि के रूप में दीक्षा माहेश्वरी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शुभा कौशिक उपस्थित रहीं। क्षेत्रीय अध्यक्ष मधुलिका राघव और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया। महिला मोर्चा का सम्मेलन पूर्व में भी हम चुनाव के समय ये करते आए हैं, तो ये अलीगढ़ और महानगर, जिला और महानगर दोनों का संयुक्त अपना महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजन किया गया है। इसमें भारी मात्रा में आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं की क्या भागीदारी है, और जो मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया है महिलाओं के लिए, आत्मसम्मान के लिए, उस विषय में सभी महिलाओं को पता भी है और वो जागरूक है, और मंच के माध्यम से उनको एक बार फिर से संकल्प की 350 की सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इस तरह के महिला सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री आदरणीय दीदी अर्चना मिश्रा जी आई हुई है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री दीक्षा माहेश्वरी। देख सकते हैं महिलाओं में कितना उत्साह है, और हजारों की संख्या में बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं। पूरा पंडाल यहाँ पर भरा हुआ है, और ये पूरा जोश ये दिखाता है कि 2022 में महिलाओं में। खबर सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के प्राथमिक विद्यालय गांव पंचायत बेडौरा से है, जहां गरीब बच्ची को प्रिंसिपल द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया है। बीते दिनों बच्ची स्कूल में अपने साथियों के साथ खेल रही थी, तभी खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया, जिससे बच्ची वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर गिर पड़ी और कुर्सी टूट गई। जब इसकी जानकारी प्रिंसिपल को मिली तो आनन फानन में प्रिंसिपल ने छात्रा को टूटी कुर्सी के साथ घर भिजवा दिया और आदेश जारी कर दिया कि अगर टूटी कुर्सी के पैसे नहीं मिले तो परिजन बच्ची को स्कूल ना भेजें। तो सीतापुर से ही ये खबर सामने आ रही है, जहां प्रिंसिपल द्वारा एक छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया है। ये खबर सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के प्राथमिक विद्यालय गांव पंचायत बेडौरा से है, जहां गरीब बच्ची को प्रिंसिपल द्वारा परेशान किया गया। बीते दिन बच्ची स्कूल में अपने साथियों के साथ खेल रही थी, तभी खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और बच्ची कुर्सी पर जाकर गिर पड़ी और कुर्सी टूट गई, जिसकी जानकारी मिलते ही आनन फानन में प्रिंसिपल ने छात्रा को टूटी कुर्सी के साथ घर भिजवा दिया और पैसे की मांग की गई। खबर मऊ के सराय लखनसी थाने के जिला कारागार की है, जहां जेल में बंद कैदी महिला ने आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जहां 45 वर्षीय महिला कैदी मीरा ने अज्ञात कारणों से अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर आत्महत्या कर ली। बीते 6 महीने पहले दहेज और हत्या के मामले में कारागार लाई गई थी ये महिला। तो इस आत्महत्या के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मऊ से यह खबर सामने आ रही है, जो महिला कैदी ने अज्ञात कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली। मीरा पत्नी जितेंद्र 498 डीपी एक्ट में है, निरुद्ध हैं, जो उनसे इन्होंने बाथरूम में साड़ी का जो किनारा होता है उसको फाड़ के उसी से नल में फंदा लगा के फांसी लगा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तो साड़ी का फंदा बनाकर ही आत्महत्या कर ली है, और मऊ के सराय लखनसी थाने के जिला कारागार का ये मामला है, जहां जेल में बंद कैदी महिला ने आत्महत्या कर ली है। जेल प्रशासन में इससे हड़कंप मच गया। 45 वर्षीय महिला कैदी मीरा ने अज्ञात कारणों से अपनी साड़ी के किनारे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। कानपुर कमिश्नरेट के नेतृत्व में अनवरगंज एसपी अकमल खान ने नशा मुक्ति अभियान रैली निकाली, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक मीटिंग की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे और सट्टा लगाने जैसे गलत काम से बचाना और जो लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाना है। देखिए, पिछले 20-25 दिनों से हम कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट संगठित अपराध के विरुद्ध एक अभियान चला रही है, और इस मुहिम के तहत हमें लोगों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि जो लोग भी संगठित अपराध जैसे कि जुआ, सट्टा या फिर किसी भी तरह के नशीले पदार्थ
जैसे कि चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, इस तरह की चीज़ें अगर कहीं आपके क्षेत्र में बिक रही हैं या कोई इस तरह का काम कर रहा है, अपराध कारित कर रहा है, तो उसकी सूचना हमें दें और उसकी सूचना जो भी देगा वो हम लोग जो है उनका जो नाम है वो गुप्त रखेंगे, पोशीदा रखेंगे और हम कार्रवाई इस पर करेंगे। तो ये जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संगठित अपराध इस प्रकार के हैं उनको इस संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर सुनवारी में एक विवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो नवविवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसके बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से और जांच की मांग की गई है। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला है, संभल से यह खबर सामने आ रही है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर सुनवारी की ये घटना बताई जा रही है, और जहां पर एक विवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिला है, जिसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो आत्महत्या की वजह ससुराल जनों को बताया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने। तो युवती की मौत के बाद कोहराम मच गया है, परिवारजनों में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। संभल से एक खबर सामने आ रही है, जहां ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला है, संभल से एक खबर सामने आ रही है। युवती की मौत से कोहराम मच गया है। वही अब खबर सीतापुर से है, जहां पर तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में सुभाष चंद्र मौर्य का बेटा और फैयाज अहमद की बेटी आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनमें दोनों लोगों का मर्डर किया गया। लड़के की लाश लापता है और लड़की की लाश घर में ही बरामद हुई है। मौके पर पुलिस जांच करने पहुंची, लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दी गई है और यह मामला थाना महमूदाबाद के मुस्तफाबाद गांव का है। देवरिया थाना प्रभारी बंदकटा विपिन मलिक ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को रोककर उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। कागज सही नहीं मिलने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर अभियुक्त ने बताया कि उन्होंने बाइक बिहार से चोरी की थी। पुलिस के पूछताछ करने के बाद चोरों ने अपने गिरोह के अन्य तीन साथियों के बारे में भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने सीरिया जाने वाले सड़क के पास बंद पड़े ईंट भट्टे से 36 मोटरसाइकिल और 5 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 37 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं। इनमें से अब तक 18 मोटरसाइकिलें विभिन्न मुकदमों से कनेक्ट हो चुकी हैं। इनमें से बिहार राज्य के गोपालगंज, सिवान और उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर आदि कई जनपदों की बाइकें इसमें बरामद हुई हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई, विधिक कार्रवाई। देवरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 36 बाइकें बरामद की गई है चोरों के पास से, चोरों के गिरोह का पता चला है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ चुके देवरिया से। रवि, 36 बाइकें जी। हेलो जी रवि, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला मैम ये है, थाना प्रभारी विपिन मलिक अपने टीम के साथ भ्रमरशील क्षेत्र की मुखबिर खास की सूचना पर रामपुर बुजुर्ग
के पास एक पल्सर बाइक से दो व्यक्ति जा रहे थे, जिसको समित लगने पर कागजात सही नहीं मिल पाई और पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर ईट बच्चे के पास लगभग 37 मोटरसाइकिल बरामद हुई और तीन को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और ये पुलिस की बड़ी सफलता थी। जी, क्या लगता है क्या कुछ और भी बाइकें होंगी इनके पास, चोरी का और भी सामान हो सकता है? हाँ जी, हाँ हाँ अंजलि, मैं बता दूं कि श्रीपति मिश्र का कहना है कि अभी जांच हो रही है और कई बाइक बरामद अभी हो सकती हैं। पुलिस काफी चोरों के प्रति दबिश दे रही है और हो सकता है कुछ दिनों में और बाइकें बरामद होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे देवरिया से। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।